सुनी, पूजा शुरू ही होए वाला है, आप भी यहाँ पे। सुनी आप रुकी। रुका बेटा, इस तरह से पूजा के बीच में से छोड़ के उठल अपशगुन होले। पहले देवी के जान ली है, या फिर हो सकेला कि पूरा चौहान परिवार के नामो निशान ही मिटा दिए। पता ना चला था अम्मा जी, पर देवर जी ना बहुत ही गुस्सा में निकलल बाड़े। हमके तो लागा था कि आज ना कुछो अनर्थ जरूर हुई है। आप पूजा शुरू करें पंडित जी। अधिराज, यहाँ पर इस तरह से? देवरानी जी, देवर जी के सब पता चल गए, और आप जब बैठल बानी, देवर जी तलवार लेके तोहर चाचा जी के फैक्ट्री की तरफ निकल गए। कुछ ना होई जेठानी जी, हम की हमार भगवान पर और उनकरा पर पूरा भरोसा है। हमार पूजा जरूर पूरा होई, और हमार देवी माँ सब ठीक कर दी है। हमके विश्वास है वो हमरा से चाहे जितना भी नफरत करे, पर वो एगो अच्छा बेटा है, ये हम जानत बानी। आप डरी मत, सब ठीक होई। लेकी देवी चौहान अगर जिंदा बाड़ी तो कौनो बात ना, हमके हमार बाबूजी के कसम ओकर जिंदगी अगर नरक से भी बदतर ना बनेगी तो हम अपन बाबूजी की औलाद नहीं के।
इंद्रजीत रजावत, तोहर पिताजी के तस्वीर है। आज इनकरा आशीर्वाद से हमार प्रेस फिर से शुरू भइल है। जिनकरा आशीर्वाद से, क्योंकि रोजी रोटी चले तब ओकर त आशीर्वाद लेहल जरूरी बनेला ना। इहे से हम आज पूजा में तोहर पिताजी के तस्वीर लगैले हैं चौहान परिवार के तरफ से श्रद्धांजलि देवे खातिर। ये तस्वीर अब हमेशा यहीं रही। इनका आशीर्वाद के साया में हम अपन काम के आगा बढ़ाई। बेटी, दशहरा के पूजा हवन संपन्न हो गई। माता रानी से प्रार्थना करला। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। बेटी, इतना कठिन परिस्थिति में भी तू नव दुर्गा माता के पूजा पूर्ण कैलू। सच में साक्षात माता रानी के आशीर्वाद है तुमके। बेटी, ये प्रतिमा के अपन कमरा में सही स्थान पर स्थापित कर दी है। उसे तोहके सदैव शक्ति प्राप्त होत रही। अच्छा, हम की अनुमति दे। सौभाग्यवती भव। अम्मा जी, देखी पंडित जी हमके का देले। बड़ा पूजा करत फिरेलू ना। बाकी हमरा के हमार बेटा जी पर पूरा भरोसा बा। वो अपन माँ जी के हर खुशी जानेला। अब देखिए हमार बेटा जी का करी, तो हर परिवार के का हसर करी। बेटा धीराज, तू भले ही गुस्सा में देव से शादी कैले बड़ा या माँ जी के चौहान परिवार से बदला लेवे खातिर कैले बड़ा, लेकिन बेटा तू जाने अनजाने में ही एगो ऐसन कोहिनूर के हीरा मिल गई है जी हमेशा अपन मायका में रोशनी फैले ले बा। बेटा तो देखिया, देवी के चमक से तुहार किस्मत भी रातों रात पलट जाए, तो और भी तरक्की कर बा। बहुत विश्वास के राग अलापे लू ना तू। आज पता चली असली विश्वास का हो खेला। आप ठीक कहनी अम्मा जी, हमके सच में पूरा विश्वास है अपन देवी माँ पे। आज हम उनकर पूजा पूरा कहनी है। हमके पूरा विश्वास है कि अब देवी माँ हमार मायका और हमार ससुराल दोनों में से कहीं पे भी कुछ भी बुरा ना होए दिए। आ गईल हमार बेटा जी। बेटा जी, बताई एकरा के का कहले बड़ा तू, और बंद कर एकर जबान। कुछ ना भाई अम्मा जी, पर होई कल से प्रेस के काम शुरू हो जाए। देवर जी कहीं था? भाभी जी घर में क्यों कितना हिम्मत नहीं खे जे हमरा से सवाल करें। अच्छा, अम्मा जी अब तू हमरा के मतलब समझेबा। हमार बेटा जी भी हमरा खातिर का अधिराज रजावत बन गेल बा। ई समझावा कि तू भरत चौहान के फैक्ट्री में पूजा काहे होके दिला। इतना पूछे के तहक माँ जी के अपन बेटा जी से ना। बेटा जी ना अधिराज रजावत सिबा ना। अम्मा जी तहरा से ऊपर के हो नहीं खे, कुछ हो नहीं खे। और हमार बाबूजी
हमार मतलब बाके बाबूजी के आशीर्वाद से ई पूजा शुरू भइल। हमार बाबूजी के आशीर्वाद से ही प्रेस के काम शुरू हुई। जैसन हम कहनी है वैसे ही करब तो सब ठीक हो जाए। हाँ बेटी ठीक है, हम इंद्रजीत के रजावत फोटो रख के ही शस्त्र पूजा करब। आखिर उनका नाम की वजह से ही हमारा प्रेस फिर से शुरू हो रहा है। जी पाथा ना माँ, अधिराज के आप पे भगवान पे कोनो विश्वास ना हा, और हमार आप पे इहे विश्वास के वजह से आज हमार चाचा जी के प्रेस बच गए। थैंक यू देवी माँ, हमार और हमार परिवार के मदद करे खातिर। जब हमार माँ के तेज इतना हो तो उनकरा विराजमान करे के भी जगह भी तक खास होवे के चाहिए ना। अभी आप यह जगह से काम चला ली माँ। छोटा अधिराज, ये हमार देवी माँ है, इनकरा परेशान मत करिया। हाँ जे तरह भगवान राम दिवाली पर अयोध्या लौटल रहे, वैसे ही रजावत हवेली में दिवाली आपके आपके सही स्थान पर स्थापित करे के बाद ही मनाई जाए। 15 दिन के अंदर अंदर आपके अधिराज रजावत के कमरा में आपके उचित स्थान पर स्थापित करके रहब हम। ई वादा है हमार। अधिराज रजावत, बहुत हो गई नफरत के लड़ाई, अब देखे कि हाँ विश्वास और अविश्वास के ई लड़ाई में जीत के कर हो खेला। सही जगह पर स्थापित करे के आज हमार पहला प्रयत्न होई। संभल की देवी, क्यों देख ले लेना रजावत हवेली में भयंकर भूचाल आ जाए। रोका, रोका।
उकाल जाला ना, विनाश के आगे बिन बजावे से कोनो फायदा ना हो खेला। तरह के कहले बानी कि वो कमरा में जाए के कोनो जरूरत नहीं खे, बाकी तोहार मोटा बुद्धि में ही बात आवेला ही ना। बस मौका देखे लू हमार बेटा जी के कमरा में घुसे के। अम्मा जी जोन काम आप देले हैं वो एक नौकरानी मनाता ना कर सके ली ना। हम बस कपड़ा धोवे जात रानी त सुषने एकर कपड़ा भी देख ली और लगे हाथ सफाई भी कर दी। कोनो जरूरत नहीं खे, घर में और नौकर बा जोन काम काज करेला। अम्मा जी हमकी भी सेवा के मौका दीना आप सबके, और वैसे भी हम अपन सारा काम खुद ही करेनी। बड़ा आग लगल बा तहरा के कमरा के सफाई करे के। का बात बा, तोहर मन में ही चल कर रहल बा। आग में तब के ही ता सोना कुंदन बनेला ना अम्मा जी, त हम अपन सफाई से कमरा के एकदम कुंदन के जैसन। हमार मतलब हा कमरा के ही ना पूरा घर के कुंदन के जैसन चमका दे। रुका ले के अपना आपके बहुत होशियार समझेलू तू। बाहर बड़ बड़ बात करेलू और भीतर जाके का करे वाले हम जानत आनी। ई देवी माँ के मूर्ति हमार बेटा जी के कमरा में स्थापित करे चाहेलू तू। का चाहेलू तू हमरा के हमार बेटा जी के सामने नीचा दिखावे चाहेलू ना। बाकी एक बात कान खोल के सुन ले तू लेकी, ना ही घर तोहार बा और ना ही कमरा और ना अधिराज। कहोगे लम्मा जी? बेटा जी देखा लेकी का कर ताड़ी, हमरा के पता ना रहे कि तोहार फैसला अभी लेकी ली। हमार मना करे के बावजूद लेकी मूर्ति तोहार कमरा में स्थापित करे चाहे ली। अरे अम्मा जी, अम्मा जी तरह से कितना बार कही कि गुस्सा मत कैल करा, अब देखा ना। तो फिकर ना करा अम्मा जी, अब तू ये लेकी के हमरा हवाले कर दा, हम देखब कि का करे के बा। तू अपन सेहत के ध्यान रखा। चल कहाँ ले जा रहे हैं हमके। ये जगह बनल बता रहा खातिर ऐसे रहो, ना तरह के खाना मिली ना पानी। आप देवी माँ मदद करें, अब आप ही कोनो रास्ता निकालें जिससे हम आपके आपके सही स्थान पर स्थापित कर सकें। हाँ शरद, का खबर बा? यार हम जयपुर आयल रेनी फैक्ट्री के काम से हम फाइल चेक कर ली तो फैक्ट्री के लाइसेंस वाला डॉक्यूमेंट्स ना मिला, तू तनी मेल करा ना हमके। का सरत तो फाइल ना चेक कर ले रहला का? अच्छा रुका चेक करता नहीं हम।
अब एकरा का बीमारी हो गई, अभी तो ठीक रही। लाइन पे रहा सर, चेक करा था नहीं हम। ए सरद, ये कंप्यूटर के कुछ हो गए बा, काम नहीं के करत। अरे यार, तू पहले देखा पावर ऑन है कि ना? बार बार बैटरी खत्म होने के बाद तू ऑन ऑफ कर बता, ओकर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए, फिर तो यार लैपटॉप भी खराब हो जाए और केस भी खराब हो जाए। अरे सरद, हमरा समझ में कुछ नहीं के आवत, कोशिश करत आनी हम। सुन सुन, हमार बात सुना, फालतू की छेड़खानी मत करा, जितना हम बोल रहे सिर्फ उतना ही करा। सबसे पहले लैपटॉप के पावर प्लग से कनेक्ट करा, उकरा बाद सेफ मोड पे ऑन करा, ठीक है? उकरा बाद कुछ पल्ले नहीं के पड़त, सब कुछ ऊपर से निकलत बा। अरे यार अधिराज, वो कागज बहुत जरूरी है यार, अभी हमके एक घंटे में चाहिए, तो कुछ भी करके लैपटॉप ठीक करा और हमके मेल करा जल्दी। तू एक काम कर, तू रुक, हम चेक करता नहीं। चिट्ठी तो वो कंप्यूटर पे पड़ल बा, निकाले के पड़ी, जरूरी बा। विष्णु ओकरा फोन करता नहीं। हाँ विष्णु, तहा लेका जोन बाऊ जोन कंप्यूटर ठीक करेला, ओकरा भेज हमरा घर पे। बाहर गेल बा? कब आई? 3 दिन बाद। चल फोन रख। अब का करें? शरद के फोन करता नहीं। हाँ शरद, देखी कंप्यूटर ठीक करे में बहुत टाइम जाई, तू एक काम कर, तनी समय हमके। तू भाभी जी से बात करा ना, शायद वो कुछ। तहार दिमाग खराब हो गेल बा, पगला गेल बाड़े तू। अरे उलेकी के मदद लेवे से बेहतर हुई कि कंप्यूटर उठा के बाहर फेंक दे, नया ले आई हम। अरे यार तू कैसे बात करत बड़ा, समझदार हुए के बाद भी बेवकूफ जैसे बात करत आड़ा। एगो बात बतावा, अगर तू लैपटॉप तोड़ देबा, ओकरा बाद जे नया लैपटॉप लेबा उमे कहां से मेल डालबा तू? तो के समझ में आई तो हमके भी बता दिया। का करी, हम ही देवी के काल कोठरी में बंद कैले रानी, अब हमके ही ओकर जरूरत पड़त बा। केसर भाभी जी, अभी जी देवी के हमार कमरा में लेके आवा फटाफट। ठीक बा देवर जी। हाँ सरद, हाँ तहार बात मान लेनी, ई कंप्यूटर ठीक करावे खातिर ओकर मदद लेता नहीं। लेकिन एक बात ही तू अच्छा तरह से सुन ला, ई मदद हम तहरा कहे पे लेता नहीं, काम जरूरी बा, लईकी जरूरी नहीं के, समझ लेना। 5 मिनट दे हमरा के अभी। हाँ पता ना का हो गए। देवरानी जी जल्दी से चली, आपके देवर जी बुलेले बाड़े। हाँ? जल्दी चली। का भाई? उस अब हमरा के नहीं के पता, कंप्यूटर के बारे में कुछ बात रहे, कंप्यूटर सही करे के बात रहे के। ओ अब का हो गई आपके देवरानी जी? देवरानी जी का हो गई? देवरानी जी पेट में दर्द हो रहा था। हम डॉक्टर के बुला बता नहीं? ना ना, सुबह से कुछ खैनी ना, पीनी भी ना, कमजोरी लग रहा था, चक्कर भी आ रहा था। हम का करें? देवर जी कहले फटाफट से आपके बुलावे के बा। फटाफट से बोल दो उनकर के ना आ सके नहीं हम। चला आप अपन ध्यान रखें, आज तक है नहीं इका हो गए देवरानी जी के आप। भाभी जी वो लड़की के हम अच्छा तरह से जाने ली, नाटक करत आ रही हो, तीखी छुरी ही हो, अच्छा तरह से मालूम बा हमके, और का हो गई तबीयत के? देवर जी वो कल रात से देवरानी जी कुछ ना खेली ना हो तो, और ना ही पानी पीले बाड़ी तो कमजोरी आ गई बा, उठल ना जा रहा लोई जैसे। सब गड़बड़ बा, हमके इस्तेमाल करत आ रही हो, अच्छा तरह से जाने ली हम। ये तू का कहत बड़ा? अरे ना ना शरद, वो का बा की वो लड़की मदद करे से मना कर दे ली, पर तू चिंता ना कर, हम कुछ करत आ रही, फोन रख। अरे यार भाभी जी एक काम करी, लेकी के जोन चाहिए जाके दे दी, खिलावा पिलावा और अकरा बाद हमरा पास यहाँ लेके आवा, टाइम नहीं के हमरा पास, समझा तानी ना आप? जी ठीक बा देवर जी। Thank you.
56 भोग से केकर खातिरदारी के तैयारी कर रहल बाड़ी। अरे केसर, ये थाली केकरा खातिर सजा रहल बाड़ू? केहू आवे वाला है का? नाना जेठानी जी, ये तो हम देवरानी जी खातिर ले जा रहल बानी। ओ देवरानी जी कुछ ना खेले बाड़ी और ना ही पानी पीले बाड़ी, तब बस लेकी के साथ रह रहा के तोरा पर बड़ा परना निकल आए। मालिक के बनल खाना के अब तू लेकी के देबू? हाँ, दिमाग खराब तो ना हो गई तोहार? अरे तू ये भी ना सोच लू कि अम्मा जी के बात के पता चल गई ना, फिर वो लेकी के साथ साथ तोहार भी हुक्का पानी बंद हो जाये घर में। अम्मा जी के खिलाफ जावे के बात कर रहल बाड़ी। बाकी जेठानी जी, हमरा के तो देवर जी खुद ही कहले बाड़े देवरानी जी खातिर खाना ले जाए खातिर। ऐसा का कर दे लियो लेकी जे देवर जी इतना मेहरबानी दिखा रहे हैं ओकरा पे? वो तो हमरा के ना पता, हम तो बस देवर जी के आदेश के पालन करता है। अच्छा, तो तोता महीना जैसे संदेशा भेजल जा रहा है आजकल, ये बात तो अम्मा जी के बतावे के ही पड़े। ना ना, अभी ना, सही मौका पे सही पत्ता चले से सारी बाजी पलट जाला उनमें, तो फिर ई पत्ता के बचा के रखा और सही मौका के इंतजार करा, फिर होई हर बाजी तोहार। देवरानी जी, देवरानी जी, देवरानी जी, ये ला, आप खाना खा ली। ल खाना खाई। भाभी जी, इतना पेट में दर्द हो रहा, हम ना खा पाए। देवर जी कहले बाड़े कि आप खाना खा ली, फिर आप में हिम्मत आ जाए, चली खा ली थोड़ा सा। अच्छा, वो कहले हैं तब उनकरा खातिर खा लेते हैं थोड़ा। हाँ। सा बहुत अच्छा। भाभी जी, आपके सर पे अन्नपूर्णा देवी के हाथ बा, का खाना बनल है, ताकत ही ना रहे, खाए के भी ताकत ना रहे, पर वो कहले तो फिर खा लेनी हम। आप पूरी तो लेनी ना, हम और ले आए पूरी, इतना से काम चला रहे हम। ठीक है, अरे का हो गए, तारा के ब्याज ही खराब हो गए किरे, अब का कर बे, लात खा के मन में का, चलो जा शुरू। अब हो गए तो ऊपर चली, ओ देवर जी बुला रहल बाड़े ना, जूठा ना छोड़े के चाहिए ना, जे भी थाली में खत्म कर देवे के चाहिए। आप चली, ओ देवर जी बुला रहल बाड़े ना। हाँ हाँ, चली चली, बहुते हो गेल खाना, काम भी तो करे क्या ना, ले पानी पी। हाँ चला, चलो चलो चलो, चली जल्दी काम। हाँ, चली चली, एक मिनट, आपका हो गए, खाना अधूरा है ना? अधूरा? बाकी खा तो लेनी। ना ना ना, आप हमार बात ना समझ रहे हैं जेठानी जी, जब तक मीठा ना हो तो खाना अधूरा रहेला। बाद में खा ली है देवरानी जी, मीठा देवर जी बुला रहे बड़े। अरे आपके देवर जी ही तो काले राले कि पूरा भोजन करवाई है, अगर भोजन अधूरा रह गई तो उनका अच्छा लगी, आप ही सोची। ठीक बा, हम हलवा बना के लावा तानी आपके खातिर। अरे सुनी। हाँ, का बन? खीर। ठीक बा। और सुनी, आपका भाईल ओकरा आराम से अच्छा से कार के बना के लाई। हाँ बाबा। सुनी, काजू पसंद ना, बादाम? हमरा के सब पता बा, आज देवर जी के आपके जरूरत बा ना,
ऐसे आप मौका के फायदा उठावत आनी लावत आनी अभी। वाह देवी, सब देवी की कृपा। एक बार फिर से कोशिश करत आनी, शायद चालू हो जाए। अरे हो जाना का हो गईल। अरे ये बात, बस एक बार तू पूरा तरह से शुरू हो जा, फिर हम दिखाई देवी चौहान के कि हमरा से पंगा लेवे से का अंजाम हो खेला। अब देख तू। हाँ। अरे बख्श दे हमार बाप, का करी हम। अरे चालू हो जा, शुरू हो जा, वहां सरज राह देखत बा। कतरा हाथ पाओ पड़ी का अब हम। ली देवरानी जी खीर। अब चली? अरे काम करे तो भूली गई नी, खाए पिए के चक्कर में कहाँ पड़ गई हम। चली 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 चली, इतना काम है ना, देवर जी इंतजार कर रहे हैं आपके। चलो 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 जल्दी से, बहुत देर हो गई, देवर जी बहुत गुस्सा करिए। अब का हो गईल? एक मिनट, अब कौन सा फरमाइश बाकी रह गए तो है? अरे फरमाइश ना तो फिर वो कहना मूड ना। देवरानी जी का बोल रहे बनी आप? अरे उनकरा से जाके कही कि हमार मूड ना है। ना ना, हम उनका से कुछ ना बोल सके नहीं, जान से मारती है वो। आप दूत हैं, सिर्फ दूत, हनुमान जी के जैसन, जैसन राम जी के दूत रहे ना वो। हनुमान जी लंका गए ले कुछ भइल उनकरा? ना ना कुछ ना होई, आप निश्चिंत रहें, आप बस बता दी हमार मूड ना है। हम तो हर रामायण के चक्कर में हमार पूछ के आग लग जाए, हम तो कहीं नहीं आज। अब आई मजा अधिराज रजावत। देवर जी ओ देवरानी जी ऐजा आवे से मना कर देले बानी। ओ लड़की के सारा फरमाइश पूरा कहनी हम, ओकरा बाद भी यहाँ आवे से मना कर देले। ओकरा पता बना के क्या बोले ले बा? ओ तो हमरा के नहीं के पता, पर देवरानी जी मना कर देले। हम के पता करे के बा के काहे मना कहली? अंदर आए, हम आपसे कहले रानी ना कि हवेली भी आपके हा, काल कोठरी भी आपके हा, और हम आपके हैं। तब बेझिझक अंदर आई। आई पता है आपके, हमार छोटका चाचा जी सिखाईले हैं कि हालात चाहे कैसनो होखे, काल कोठरी हो या फिर हवेली, दरवाजा तक आयल कोनो भी इंसान के ना ऐसे ही लौटे देवे के ना चाहिए। तो हमार काल कोठरी में आपके स्वागत है। आई देख ले की सरत से बात करा और हमारी कंप्यूटर ठीक करा, उकाबा के हमरा पास टाइम नहीं खे। बड़े लोग बहुत काम होखत हो ही ना आपके। सही है, टाइम ना है ना, हमार मूड ना है। देख ले कि हमार पास सुन हा? सुन भी रह रही और देख भी रह रही। जितना तरह के देखे खातिर कहीं उतना है देख, और जो उन कहा तानी करे के पड़ी ना था। वरना का काल कोठरी में बंद कर दे, कर चुका लही। खाना पीना बंद कर दे, वह बंद कर चुका लही। धमकी दे ही रहा लही आप, और का करब आप। हर फैसला के कुछ ना कुछ नतीजा हो खेला, ये काले रानी ना आप। तो जो आप फैसला ले लेनी है कि आपके हमार मदद चाहिए, तो कर भी कोई नतीजा हो ही ना। नतीजा ई हो कि हम ही काम ऐसे ही ना करब मुफ्त में। ऐसे गुस्सा से घूरी मत। दिखा दे लू ना अपन असली रूप, पर तहरा के शायद याद नहीं खे कि तहरा पे वो एहसान कैले रहनी हम। तहरा के याद बना बहुत मन बा आपके, अपन सहेली के ब्याह में जाएंगे। वो हम दोनों वादा कर ले रहनी एक दूसर के कि कहीं पे भी होई पर शादी में जरूर जाई एक दूसर के। आप चिंता मत करें, हम कोनो रास्ता ढूंढता नहीं। Thank you.
कैसे कहनी? ये सब बात करे के समय नहीं खे, आप बस तैयार होगी और अपन सहेली की ब्याह में जाए। अब दुनिया की बेस्ट देवरानी जी है। रात के अंधियारा में तू ही हो सके लू जे छुपा छुपावत भागत आरू चोरन के तरह, कहाँ जात रहलू? चोर की जैसन भागे ना, अपन मुश्किल के सामना करे सिखले बाड़े हमारे परिवार। ई घर में हम अपन मर्जी से आयल रहनी, तो जब चाहे यहाँ से जा भी सके नी। बस ये खातिर ना जाते कि हमके पता है कि हमार ई हरकत के सजा आप हमारे परिवार के देव, पर आज हमार जेल जरूरी है। हमार बचपन के सहेली की शादी है, हम सुबह तक लौट आई। ऐसन भी कुछ ना मांग लेनी आपसे कि अपना दे सके नहीं। अब सोची अगर हमार सहेली की जगह शरद जी हुई तो आपके मन ना हो जाएगी। वादा करते ही हम लौट आई। जा, छोड़ देनी तारा के। हम भी तो देखी कि तारा अंदर कितना ईमानदारी भरल बा। पर एक बात याद रखिया तू, अगर तू वापस ना ही लो ना तो अपन परिवार के गम में शरीक होके खातिर शामिल हो जाइया। जा। अगर ना काम कैलू हमार तो सबके सामने तहार पोल खोल दे। खोल दी। खोल दे। खोल दी पोल। तारा कुछो फर्क ना पड़ी। हाँ बस हम सोचत रहने कि अम्मा जी का सोची है, जब उनका के पता चले कि उनकर बेटा अपन पत्नी के ई घर से जाए के इजाजत दे ले, वो भी उनकर फैसला के खिलाफ, का सोची है? यह ना कि हम दोनों के बीच में कुछ ना। खोल दी, कोनो बात नहीं। हमके समझ में आ गए, अच्छा तरह से हमके समझ में आ गए कि तरह के का चाहिए। पैसा चाहिए तरह के। उकाबा ना पैसा सबके मुंह बंद करेला और मूड भी ठीक करेला। चल बता कितना पैसा चाहिए तरह के। पैसा ही सब कुछ ना हो खेला पति देव, ऐसन कई चीज है जे आप पैसा से ना खरीद सकेले, जे अनमोल हो खेला। पर आप ही ना समझब, कोनो बात ना, हम आ गए हैं, हम आपके सब समझा। ले लेकी अपन बकवास बंद कर और बताओ तोरा के का चाहिए। हक आपन देवी माँ के साथ उनकर और हमार सही जगह पर रहे के हक। ऊ कमरा में जहाँ आपके पत्नी होके के नाते रहे के हमके पूरा अधिकार है। ये चिड़िया के बहुत ज्यादा पर निकल गए बा, बहुत ज्यादा पर। तब तो हमके बार बार एगो नया कहानी सुनावे के पड़ेला। ऐसे ये वो आदमी रहे जिकर बहुत ज्यादा पर निकल गए और हवा में ऊपर एकदम ऊपर उड़े शुरू कर देलस। तो बताबा का भाई लोकर, सूरज के छुए चलल रहे वो और ऐसा जलल की मुंह के बल नीचे गिरल। कहानी खत्म हो गई और तोर कहानी भी ना हम ऐसे ही खत्म करा। बता हमार काम करबू कि ना करबू? हमके तो लागल कि आपके पास समय कम है, पर आप तो कहानी सुनावे लग गई नी। ना हमके कोनो परेशानी ना है, हमारे पास तो बहुत ही टाइम है। फैसला आपके लेवे के है कि आप कहानी सुनावे के चाहते हैं कि काम करवावे के चाहते हैं। अरे यार अधिराज, वो कागज बहुत जरूरी है, तो कुछ भी करके लैपटॉप ठीक करा और हमके मेल करा जाए। ठीक बा, मंजूर बा।
का कहनी आप हमके सुनाई ना देले। लेकिन हम कहनी के हमके तहार सारा बात मंजूर बा। बोल अब काम करबो कि ना करबो। लेकिन अगर तू ई काम में फेल हो गई लू ना तो हर जाना भुगते के पड़ी तोरा के। मंजूर बा? हाँ मंजूर। ठीक बा, अब टाइम नहीं है हमारा पास। एक काम कर, इले और शरद से बात कर। हाँ शरद जी। थैंक गॉड भाभी जी आप आ गई नहीं। अच्छा सुनिए, आप सबसे पहले लैपटॉप के पावर प्लग से कनेक्ट करिए और उकरा बाद हम आपके 2 मिनट में कॉल कर रहे थे। जी जी ठीक है। हाँ का हो गई? सॉरी आपके काम ना कर सके थे। ना कर सके लू का मतलब बा? ना हो पाई ना हम हार गए। देख तो रखे। अरे आपके काल कोठरी में ना सारा सुख सुविधा है, बस एक चीज ना है। का नहीं के? स्विच कैसे चार्ज होई? ई पकड़ा, अच्छा से पकड़ा, चल बाहर चल। काम शुरू करा अपन, जल्दी करा। अरे जल्दी करा लेकिन हमारा पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ का? अच्छा कमरा है। हमके पता बा अच्छा कमरा बा, अच्छा दिखत बा, पर टाइम नहीं है। काम करा जल्दी, मतलब हमके भेजे के बाद शर्त के शर्त वेट करत बा। हाँ हाँ चार्जर चार्जर लगावे के पड़ी तो लगावा ना। आप लगाई ना। ले लगा देनी। अब का हो गईल? सफाई ना भईल यहाँ ये कमरा में अच्छा से। ये देखे खातिर आयल बानी हमने यहाँ पे। अरे कमरा बाद में साफ हो जाए, टाइम नहीं के सरद राह देखत बा, जल्दी से कर दे। हाँ ठीक है ठीक है। मरे मोह साजन तू रे काहे छले, सब हारू जो मन लगन लगे, तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी, अब बंधनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया। हाँ शरद अगर तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो गया तो जल्दी मेल भेज दे यार। हाँ रुक 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 रुक। शरद के फोन। हेलो जी भाभी जी बोली। नाउ हम ही हवेली में अपन सही जगह ढूंढत रहनी लैपटॉप के चार्ज करे खातिर। अभी आप उकरा सेफ मोड पे ऑन करी। हाँ एक मिनट। हाँ कर देनी। ये
ई बस बैकअप हो ही रहा। हाँ, ओकर बाद हम आपके कॉल करते हैं। जी, अगली बार हमरा फोन पे फोन मत करिया, उलेगी पे करिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। अरे ये कैसे हो सकेला? का हो गई? ये का हो गई रे आपके लैपटॉप के? अगर हमरा के पता हो तो हम तोरा के यहाँ काहे लेके आई थी, तोरा के काहे लेके आयल बानी यहाँ पे, ठीक करे के बाना। टाइम नहीं है हमरा पास। देखी टाइम लगी है में। हाँ, अब वो काम करी ना, आप बैठी यहाँ पे, आप ही के तक घर है, आप बैठ सकते हैं। हाँ, हमके पता है कि काल कोठरी जितना आराम ना मिली आपके यहाँ पे। अरे तू चार्जर हो गई चार्ज, बैठी ना आप बैठी। अरे एक लैपटॉप यही खातिर कहल जाला, लैप में रख के काम करे ले। बैठी बैठी यहाँ बैठी। ना पहले आप देख ली, हम तो बाद में कर ले। ना हम के तो ना देखे के बा, तू फटाफट काम कर। हाँ। अब का हो गए? ई का करता रहू? हाँ यहाँ पे चलाई बू, तबे तो ठीक हुई ना। अरे हो रहा काम, एवे सब्र रखे के पड़ा था। ई दिख रहा आपके, इधर से उधर फाइल ट्रांसफर हो रहा। ई सब हमके ना पता बा, हमके पता बा यहाँ चलावे से यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ थी यहाँ पे ना यहाँ रखा का? आपके पता है तो आप ही कर ली ना, हमरा के आवत हो तो हम कर लेते। ठीक बा। अरे हाँ, सारा तारा के कहनी ना भेजता नहीं। अरे अरे लेकी हमरा के बहुत देर हो रहा बा, शरद राह देख रहा बा। हम डॉक्टर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर ना हैं, कर रहे हैं ना कोशिश। चला देवी, बहुत मजाक हो गई, अब थोड़ा काम कर ला, जल्दी जल्दी हाथ चलावा। देवी माँ की अपन सही स्थान पर स्थापित करे क्या ना। अरे अचानक का हो गई, अभी तक तो ठीक चलत रहे। ये लैपटॉप भी ना एकदम अपन मालिक की जैसन हो गई ला। अकड़ू, अगर तू ये काम में फेल हो गई लो ना तो हर जाना भुगते के पड़ी तोरा के। देवी माँ प्लीज मदद करी। अब हमके केहू ना रोक सकेले अपन शर्त जीते से। हे भगवान, बस अब रिस्टार्ट करे क्या। ये का करी हम, का करी और कितना टाइम ली। लेकी अगर टाइम पे ना पहुंचा डॉक्यूमेंट्स तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे हाँ शरद भाई, अब तो रात भी हो गई, कब तक बिठा के रखा बुकरा, जल्दी से मेल भेजता तो हर लैपटॉप ठीक। हाँ हो गई। अरे हाँ शरद, हो गई। हाँ। आपके पता का भेल, आपके डॉक्टर देवी आपके बीमार लैपटॉप के इलाज कर दे ली। अब अरे यार का बात है, मजा आ गई। अभी जल्दी से हमके मेल भेज दो ताकि हम डील फाइनल कर सके। अरे हाँ शरद, हाँ इंतजार कर, सबर रख, भेजता नहीं हम। चल शुरू कर। ऐसे ना जैसे बड़का लोग रिबन काट के उद्घाटन करे ले ना, आप भी अपन हाथ से अपन लैपटॉप के श्री गणेश करी। अरे तू बात बहुत बड़बड़ करे लू, तोरा के मालूम नहीं के एक एक पल हमरा खातिर कितना जरूरी बा, हमार सारा काम रुकल पड़ल बा। शुरू कहने के हो तू
का भाई हो जाए। हे देवी माँ, ये लैपटॉप ठीक से चला दी बस, प्लीज 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 प्लीज। अरे शुरू कब हुई? हो ही जाए। अरे कब हुई? टाइम नहीं क्या हमरा पास? इंतजार करी ना। अरे कितना टाइम रुकी? का हो गईल? का हो गईल? शुरू का शुरू हो गईल? लैपटॉप। तब मुंह से कहे नहीं क्या बोलत तू? हाँ शरद, तोरा के अभी बहुत जल्दी मेल मिल जाए बस। हाँ अब जाके शांति मिलल बा। हो गईल ना? हाँ हो गईल। हम कले रानी ना, हम धीरे धीरे घर में सब ठीक कर दे। हाँ तू कले रालू। काम हो गई ना आपके? अब तो सब सही है ना? तोरा के का चाहिए अब? अब खड़ी रहबू हमरा सर पे या जाइबू यहाँ से? अब अच्छा मूड में ना रह सकत हैं। यह हमारा अच्छा मूड बा, बचपन से ऐसे ही रह ली हम, कोनो दिक्कत बका? आपके काम हो गए, अब हमार काम? तार काम? कौन? वादा कह ले रहे? कौन वादा? आपके याद ना हा? हाँ हम। ओ हाँ, तरह से वादा कह ले रहनी हम के तब तरह के ऊ कमरा में रहे के बाद जहाँ तहार अधिकार बा। ठीक बा, हम अपन वादा पूरा कई, जो ना कमरा में तुहार अधिकार बा, तू जाके रह सके लू। सच? थैंक यू। यस 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 यस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यस, तुहार जीत पहला देवी। सबसे पहले ही खुशखबरी अपन घर वालों के सुनावत है। हेलो बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। हमके पता है कि आप हर पल हमार चिंता करत रहनी कि देवी ठीक होई कि ना, हमार बेटी का होइल होई। तुम आपके ये बताए वाला है जिकरा से बहुत खुश होए वाला है, और ये खुशखबरी हम सबसे पहले आपके सुनाए वाला है। हाँ बेटी बोला। सुनी बुआ जी, अधिराज हमके अपन कमरा में, मतलब हम के अपन सही जगह पे रहे खातिर हाँ कर देले। सच? हाँ, अब हम अपन देवी माँ के साथ उनकर साथ रहे वाला है। बुआ जी, बुआ जी, हम आपके बता ना सके नहीं कि हम कितना खुश हैं। हम कभी सोचले भी ना रानी बुआ जी कि सब। बेटी हम बहुत खुश बानी। तू धीरे धीरे वो घर में ही ना, वो घर के लोगन के दिल पे भी जगह बना ले लू। बेटी हमके तोरा पे बहुत गर्व है। भगवान करे तोहर हर मनोकामना पूरा होए। पर बेटी तू अपन ख्याल रखिया। हाँ हाँ बुआ जी, लव यू, टेक केयर। अरे हम भाभी जी, देवी बहुत ही खुश रहली, कहत रहली कि अधिराज ओकरा उ घर में ओकर सही जगह देवे खातिर तैयार हो गई। मन कर रहा कि ओकर हर कहल बात सच हो जाए। बस डर ई बात के लागा था कि कहीं कहीं में वो रजावत के कोनो चाल ना होके। देवी माँ, सब आप ही के कृपा से भइल हा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग अपन सही जगह पे जाए।
सुननी आप लोग? हाँ आप लोग सुननी? का भइल आप लोग ऐसे सब? हम जा रहे हैं यही खातिर आप लोग दुखी हैं? अरे हम एक घर से ना जा रहे हैं, मिले आवत रहब ना आप लोगन से। हाँ छोटा अधिराज, हाँ 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 हाँ, खुश ना हो तू हमरा खातिर, खुश ना हो तू? हाँ ये देवरानी जी, अरे कहाँ हो गए? आप पागल वगल तो ना हो गए नहीं? क्यों कुछ कह देलस का आपसे? हाँ कह देलस। का कहलस? बताई। डरी मत, अच्छा कहले हा, बहुत ही अच्छा कहले हा। आपकी देवी आज अपन नकली ससुराल से, मतलब काल कोठरी से निकल के अपन असली ससुराल यानी अपन पति के कमरा में जाए, अपन देवी माँ के मूर्ति के साथ। सच? अरे ये तो बहुत अच्छा बात बा। हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। और पता है आपके एक कर इजाजत वो खुद ही दे ले हैं। अब तो हमरा के भी कोठरी में छुप छुप के ना मिली आपसे। सच में देवरानी जी, बहुत खुशी की बात सुने ले बनी हूँ। और उनकर कमरा ऐसे बड़ा हा, खाली खाली है ना? पर कोनो बात ना, हम आ गए हैं ना उनकर कमरा में रंग भरे खातिर, नया नया पर्दा, हाँ रंग बिरंगा कुशंस और ताजा ताजा फूल। वहाँ पर ना हम एगो ड्रेसिंग टेबल रख दे अपन, जब पर हमार सारा सामान होई, हमार कांच के चूड़ी होई, हमार कपड़ा, हमार साड़ी, जे भी चीज वो हमके दी है वो सब हम वहाँ सजा के रखब। और उनकर कबर्ड में एगो साइड में हमार जगह भी होई। अरे हाँ देवी माँ के खातिर भी देखो सही जगह ढूंढे के उनकर कमरा में। हाँ हाँ वो कोना ठीक रही। अब बहुत ही अच्छा लगी सब, बहुत ही जल्द उनकर कमरा में भी, उनकर जीवन में भी सब जगह रंग ही रंग होई। सच में देवरानी जी, जन चाहे लुना पूरा मेहनत से पाले वेलु आप, ताहर जगह अपन हक के खातिर बा। पर हम तो ये सब कबो ना बोल पाई थी। पता है आपके कबो कबो जब कह के अपन हक ना मिलेला तो कुछ छीने के पड़ेला, और ओमे भी कोनो बुराई ना हा। चली चली जल्दी, जेठानी जी बहुत सारा तैयारी करे के हा, हमारे दोस्त के गुड बाय बोले के हा, देवी माँ के लेके जाए के हा, ओहो उनकर कमरा में जाए के हा। बाप रे बाप, बहुत ही कामा जेठानी जी, बहुत ही कामा। हम तो हर ससुराल जाए की खुशी में हम वो हाथ बटा देता नहीं। चला चला सब तैयारी कर। पूरा बात तो वैसे हमार भी पन्नाना पड़ल अम्मा जी, पर इतना जरूर समझनी हम कि एक दूसर के बहुत ही संदेशा भेजल जा रहा है आजकल, और जे देख गई नी ना अम्मा जी। अम्मा जी ऐसा तैयारी करत रहली उले की जैसे कि कोई महारानी ना वनवास खत्म करके अपन महल वापस जा रहा होखी। हमके तो बस चिंता सतावत है आपके अम्मा जी। अब हमरा के देखे के बा, अधिराज हमार बेटा जी बाड़े कि ऊ लड़की के दुल्हा, आज सारा बात साफ साफ हो जाई। कितना पत्ता बिछेनी, पर अभी अम्मा जी ही लग गई नी हमार बाजी पलटे में। एक मिनट, बाकी आप ऐसे जाए अपन दुल्हा के पास? काहे एमे का खराबी है? साथ सिंगार के साथ में दुल्हन अपन दुल्हा के पास जाली तो दुल्हा भी खुश हो जाला, तार सिंगार हम कर दी। अच्छा एक मिनट रुकी है। पर अम्मा जी हम तो और कुछ ना सुने के हमरा के, अब तो ये देखे के बा कि अधिराज का करता। ये सब का होत बा? आजकल तुम लोग से काम ठीक से नहीं के होत, सफाई अच्छे से होके की चाहिए आज। ठीक बा चल करा करा करा। Oh.
तेरे हाथों की अब गिर हाद ऐसे कि टूटे ये कभी ना। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिर हाद ऐसे कि टूटे ये कभी ना। चल ना कहीं सपनों के गाँव रे छूटे ना फिर भी धरती से पाँव रे अगर पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे साथ ही मेरो से संग धूप छाँव रे अगर पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे साथ ही मेरो से संग धूप छाँव रे साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिर हाथ ऐसे कि टूटे कभी ना। कभी तुमसे जो हम उधड़े कहीं बुन लेना फिर से हर धागा हम तो अधूरे यहाँ तुम भी मगर पूरे कहाँ कर ले अधूरे पन को हम आधा जो भी हमारा हो मीठा हो या खारा हो आओ ना कर ले हम सब साझा साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिर हाद ऐसे कि टूटे ये कभी ना। अपन शुभ कदम से देवर जी के जीवन में जाए के बा आज तो हमार देवरानी जी एकदम राजकुमारी लगत आड़ी। का हो गए काहे घबराए नी ई तो हमार लक्ष्य के तरफ हमार पहला कदम है। दूर से जब वो भी देखनी है एगो राक्षसी नजर आयल है अब पास जाके साथ रह के वो राक्षस के अंदर के इंसान की ढूंढे के है और ढूंढ के सबके सामने लावे के है थोड़ा मुश्किल है हम कर पाएब नहीं जरूर कर पाएबू हम तो हमेशा ही प्रार्थना करम तुहारी जीत के अरे तहरा के हर बुरा नजर से बचाई। मुह साजन तूरे काहे चले हारूं जो मन लगन लगे तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी अब बंधनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया चाहिए आप इतना जल्दी भूल गए नी आपके कहे के मुताबिक हम अपन सही कमरा में रहे खातिर आए लें सही कमरा अच्छा 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 हाँ याद आई हमरा के तो पहले कहे ना बतैलू
अरे अम्मा जी, अरे भाभी जी, अरे कहाँ बाड़ू सबके सब। अब इतना बड़ बात बातों सबके सामने होके की चाहिए ना, अच्छा बात हो खेला, हाँ सबके आवेदन फिर आगे बात कहल जाए। का भइल? अरे अम्मा जी, का चलत भाई सब घर में? हमरा के तो पूरा विश्वास बा कि केहू ना केहू बा जे लड़की के दिमाग में फालतू के बात भरत बा। पता ना का सोच के बैठल बाड़ी, कौना बुनियाद पे बड़ा बड़ा सपना देखत रही। हमरा तो समझ में नहीं आवत। हमरा के का पूछा था, लड़की के पूछा? लात शरम मायके में छोड़ के आयल बाड़ी, इतना बेइज्जती होके के बाद भी देखा आयल बाड़ी सज धज के हमार बेटा जी के रिझावे। हम यहाँ अपन मर्जी से ना आयल हैं। आप बताई ना अम्मा जी के, हम यहाँ आपके कहे पर आयल हैं। वादा कह ले रहनी ना आप? का हम ई समझ ली कि आप अपन वादा से मुकर गई नहीं? अधिराज न जावत अपन कहिल वादा से पीछे ना हटेला लड़की। तो अगर अधिराज रजावत अपन कैल वादा से पीछे ना हटे ले, तो बस हमके इतना बता दी का आप ना कहले रहनी कि लैपटॉप के ठीक करे के बाद आप हमके हमार सही जगह पे आवे दी हैं, कहले रहनी कि ना? और पत्नी के सही जगह था शादी के बाद अपन पति के कमरा में ही हो खेला। अरे लड़की, हम तो तरह के बहुत तेज समझ ले रहे, तू तो एकदम भोदू निकल लू, एकदम मंद बुद्धि निकल लू। तू हमरा कमरे में रहे आयल बाड़ू? हमार कौन कमरा में रहे आयल बाड़ू? चला हमके भी बता दे कि हवेली में हमार कौन कमरा बा, कौन कमरा बा। वैसे हम तोहरा के हजार बार बता चुकल बानी, लेकिन तरह के समझ में नहीं आवत। ये हवेली हमार अम्मा जी के बा। ये हवेली के असली मालकिन हमार अम्मा जी बा। ये हवेली में जितना भी कमरा बा हमार अम्मा जी के बा, तो हमार कमरा कौन ना? अगर तोरा के हमार बात पे विश्वास नहीं के, तो हवेली के कागज तू देख सकेलू, पढ़े लिखल बाड़ू, समझ में आ जाई तोरा के देख के कि हवेली के असली मालिक के बा। अम्मा जी जौन तोरा के कमरा देहली, वो है तोहार असली जगह बा। और हम भी तो काले रानी ना के जाके आपन कमरा में रह ले, आपन सही कमरा में, तहार सही कमरा के बा काल कोठरी। और वैसे भी ये हवेली के मालकिन ही तय करेली, और मालकिन के हमार अम्मा जी, वो तोरा के तहार सही जगह दिखाई ले बाड़ी ना। चल अब जा यहां से, जा और इस सच के साथे जिंदगी के जियल शुरू कर दे। धोखा? मतलब धोखा कहनी आप हमारे साथ? तहरा से बेहतर के जाने है मतलब धोखा के, याद आयल धोखा से वही खिलाई लो कभी मीठा मीठा। ओके से अपन काल कोठरी के चूहा हमरा कमरा में छोड़ दे लू, एक के बाद अपन बार बार चाल चलू ना। और अब डॉक्टर नी के अपन खुद के दवा कड़ुआ लागेला। तोरा के का लागल? अपन आसान गिनवा के तू हमरा से कुछ भी करवा दे और हम कर ले। ध्यान से सुन लड़की, ई घर में तोरा के जौन भी मिली और जौन ना मिली वो हम तय करे, और हम वह तय करब जौन हमार अम्मा जी कही है। समझ में आयल? तो अम्मा जी तहरा के तहार असली कमरा दिखाई ली ना काल कोठरी। चल जा यहां से।
चाहे महल होखे या कोनो झोपड़ी, एगो औरत के सही जगह अपन पति के साथ ही होखेला। फिर केकर कमरा हा या कोनो कोना हा, उसे कोनो फर्क ना पड़ेला, बस पति और पत्नी। अरे कौन पत्नी, केकर पत्नी? जब तारा और हमरा बीच कोनो रिश्ता ही नहीं के, तो कौन कमरा कौन कोना? नौकरानी बना के लाइल रानी तारा के ही घर में याद बना। अब जा यहाँ से, हमके बहुत काम बा। हमार लैपटॉप ठीक कैले रहना, एहसान कैलू ना हमरा ऊपर, इहा तहार एहसान के कीमत, तहार सोच से कहीं ज्यादा। देवरानी जी के साथ इतना बड़ा बदला ले ले बाड़े, और हम कुछ भी ना कर सकने उनका खाते। तो और सही कमरा कौन था? काल कोठरी। तारा और हमरा बीच कोनो रिश्ता ही नहीं के, तो कौन कमरा कौन कोना? देवरानी जी, उठी, खाना खा ली, कुछ ना खेले बनिया, ऐसे भूखे पेट जंगना जीतल जाना। जेठानी जी, आज पता चला हमके कि जंग में पीछे से वार होखेला ना, तो कर दर्द काहे होखेला, काहे कि धोखा के दर्द भी साथ होखेला। जेठानी जी, इन लोगन के साथ ना इनकरे जैसा नहीं सोचे के चाहिए और इनकरे जैसा नहीं बर्ताव करे के चाहिए।
भी उहे करम जे ही लोग कहले तेरा और ई लोगन में फरक ही का रह जाई। आप तो जानी नहीं ना कितना ताकतवर बाड़े ही लोग, कबू भी कुछ भी कर सकेले। अच्छे देवरानी जी कहाँ हो गए? अच्छे देवरानी जी कहीं आपके वो संक्रमित विषाणु का नाम रहे होकर संक्रमित विषाणु वो कहाँ हो गए? इतना सारा छीका रहल बा तरह के हमरा के अच्छे अरे हमरा ते बहुत डर लग रहल बा। संक्रमित का अरे वो का नाम रहे होकर वो बीमारी के का नाम रहे H1N1 H1N1। आप स्वाइन फ्लू की बात कर रहे हैं? हाँ। ओकर बारे में पता कैसे चलल? अरे वो हम धारावाहिक देखा था नहीं ना, तब तब बीच बीच में विज्ञापन आवेला उमे बतावत रहले ई संक्रमित विषाणु के बारे में। ई बहुत खतरनाक होवेला, एकरा से ना छींक ही छींक आवेला और बहुत पता ना। आप ठीक तो बानी ना देवरानी जी? देवरानी जी आप डरी मत, ई बीमारी सिर्फ छींके से ना होखेला, एकर और भी कई सारा सिम्टम्स होखेला और ई कंटीजियस। हमार मतलब है कि ई बीमारी को पहचाने के और भी कई लक्षण होखेला और ई बीमारी ना महामारी के तरह फैलेला। तो अगर केहू के भी हो जाए ना तो ओकर आस पास भी केहू दूसरा ना रह सकेला। हमरा तो बहुत डर लागत रहे, आप इतना सारा छींक लेवत जात रहनी तो हमरा के लागल कहीं आपके उतना हो गए। कबो कबो तो आप भी ना हमरा के पहले के जैसा लागत आनी, कभी एकदम से हंसत आनी, कभी एकदम से रोहत आनी। तोहर दिमाग में का चलता है? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हार के जीत में बदले के सोच। जेठानी जी ईजे संक्रमित विषाणु हान आपके स्वाइन फ्लू हमके ना भइल, पर ई घर में ना बहुत जल्द केहू और के होए वाला हा। देवी माँ आज तक जे कुछ भी सीखनी है हम ओकरा से विरुद्ध जाए वाला हैं, आपन शिक्षा से विरुद्ध। माफ करी देवी माँ, पर कबो कबो राक्षस के सीधा रास्ता पे लावे खातिर तेरा रास्ता लेवे के पड़ेला और एक जे भी अंजाम होखी ओकर सामना करे के हिम्मत दी माँ। भाभी जी देवरानी जी आप हमरा से जौन जौन मंगवेले रहनी हम सब ले एनी और बहुत मुश्किल से मिलल हमरा के ये सब चीज। देवरानी जी आपकी बात तो हमारे दिमाग में ही ना आवेला, आप बताई एकरा से कुछ होई तो ना? अच्छे बंद करा बंद करा। हो जाए अगर आप अपन नाक के ढक के ना रखब ना तो हो जाए। ठीक है अब आप एक काम करी, आप जल्दी से अपन हाथ धो के आ जाए वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाए। ठीक बा हम आवत नहीं। पति देव बस इंतजार करी।